तो ब्लड की पीएच वैल्यू होती है 7.35 से 7.45। ब्लड का नेचर कैसा होता है, ये कोलाइड होता है, ठीक है। और फीमेल में 5 लीटर ब्लड पाया जाता है, मेल में 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन जो है फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है और मेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ब्लड के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। ब्लड ब्लड में क्या क्या होता है, तो ब्लड में होता है RBC, WBC, प्लेटलेट्स और कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अभी हम तीन चीज़ों के बारे में जानते हैं। RBC को क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स, इसको हम एरेथ्रोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। अब आप फिगर से देख पा रहे होंगे, ये रेड जो है गोलाकार की जो शेप है वो है RBC, ठीक है। तो इस ये हमारी बॉडी में कितनी होती है, 5 मिलियन यानी कि 50 लाख तक हमारी ये RBCs पाई जाती हैं। इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज़ का, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियर अपसेंट रहता है और इनका शेप जैसा कि आप देख पा रहे हैं राउंड शेप है और रेड कलर है। रेड कलर क्यों है, हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है, जो कि जिसमें आयरन पाया जाता है, इस वजह से इसमें रेड कलर है। अब WBC की बात करें तो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, इनको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ये हमारी बॉडी में 10,000 से 11,000 तक रहती हैं। इनका लाइफ स्पैन है 12 टू 20 डेज़ का। इसमें न्यूक्लियर प्रेजेंट रहता है, ये कलरलेस होती है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, आप फिगर से देख पा रहे होंगे। और ये हमें इन्फेक्शन से बचाता है। ये जो हमारी वाइट सी दिख रही है ना, ये हमारी वाइट ब्लड सेल्स है और ये हमारा रेड ब्लड सेल्स है। इसके और भी टाइप होते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, ईसोफिल हो गया, मोनोसाइट हो गया और लिम्फोसाइट हो गया, ठीक है। और इसमें इसके एंटीबॉडीज़ भी होती हैं। अगर प्लेटलेट्स की बात कर लें तो इनको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। 2 लाख हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स पाई जाती हैं और इनका टाइम स्पैन होता है 7 to 10 डेज़ का। इसमें न्यूक्लियर अपसेंट रहता है और फिगर से आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी हो गई RBC, ये हमारी हो गई WBC वाइट ब्लड सेल्स, और ये जो स्टार शेप में आपको दिख रहा है जिससे कुछ नर्व्स गई हुई हैं, ये है हमारा प्लेटलेट्स, ठीक है। ये हमको क्या करता है, पावर प्रोवाइड